नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार दिख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खबर आ रही है, 3 साल पुराने भैयू जी आत्महत्या मामले में इंदौर कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में अदालत ने भैयू जी महाराज के प्रमुख सेवादार विनायक, उनके ड्राइवर शरद और उनकी शिष्या पलक को दोषी ठहराया है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई है। भैयू जी महाराज मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के प्रख्यात आध्यात्मिक संत थे। मॉडलिंग से शुरू करके उन्होंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी और उसके बाद वो एक जाने माने आध्यात्मिक संत बने थे, लेकिन अचानक 3 साल पहले उन्होंने खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ये मध्य प्रदेश का एक हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें अदालत का फैसला आ गया है। सबसे पहले समझिए क्या फैसला है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया है। इंदौर जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और ड्राइवर शरद को दोषी ठहराया है। तीनों को 6-6 साल के कैद की सजा सुनाई गई है। मामले में सेवादार विनायक की जमानत को लेकर आरोपी के वकील सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। पूरे मामले में अब तक अभियोजन ने 32 गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। भैयू महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी, बेटी कुहू, बहन समेत डॉक्टर पवन राठी के बयान भी कोर्ट में हो चुके हैं। जिला न्यायालय में बचाव पक्ष के गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए थे, जिसमें सेवादार प्रवीण ने कोर्ट के सामने कहा कि घटना के 1 महीने पहले ही भैयू महाराज अपने आप को गोली मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सेवादार ने बंदूक छिपा दी थी, जिसके बाद उनकी दूसरी पत्नी आयुषी ने फोन पर यह जानकारी मांगी कि बंदूक कहाँ गई। सेवादार प्रवीण घाड़गे ने आयुषी को कहा कि यदि वह बंदूक महाराज को दे देंगे तो वह कोई गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन आयुषी ने सेवादार को यह कहा था कि महाराज को शहर से बाहर जाना है, उन्हें बंदूक की जरूरत है। इस पूरे मामले में कई गवाह कोर्ट के सामने से गुजरे। पुलिस ने जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया था, ज्यादातर गवाहों और सबूतों में बेही दोषी नजर आए। पूरे मामले में भैयू महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी ने कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कई बार अलग अलग दलीलें पेश की थी। आरोपी पक्ष द्वारा सबसे लंबा क्रॉस एग्जामिनेशन आयुषी का ही किया गया था, जिसमें एक बार आयुषी कोर्ट में बयान देते वक्त रो पड़ी थी। बिल्कुल सही सवाल आपका। फैसला भैयू महाराज की मृत्यु को लेकर आया, सर्वविवादित फैसला था। आप सबकी जानकारी में कि भैयू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने, किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में FIR की, इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भैयू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयां गोलियां देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120B का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। आरोपी कौन-कौन बनाए? शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे, तीनों को सजा सुनाई गई है। तो अदालत ने तीनों आरोपियों को 6-6 वर्ष की सजा सुना दी है। इस मामले में अभी लड़ाई और आगे जा सकती है। जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उसके पहले कि ये मामला कानूनी लड़ाइयों में और आगे जाए, आपको बता दें कि भैयू जी महाराज का जो पूरा जीवन था वो किस तरह से था और उस जीवन के दौरान जो ये दुर्घटना घटित हुई थी जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की थी, इसकी प्रमुख वजह क्या बनी थी, भैयू जी महाराज के जीवन में कितने लोग शामिल हुए और इन लोगों की क्या भूमिका उनकी जिंदगी में रही, देखिए पूरी स्टोरी। मॉडलिंग से अध्यात्म तक, वहां से प्यार, तकरार, फिर शादी और अंततः सुसाइड के संत किरदार भैयू जी महाराज की पूरी कहानी जानिए। भैयू जी महाराज की पहली पत्नी माधवी वर्ष 2015 में इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। इनकी एक छोटी बेटी कुहू है। पत्नी के निधन के बाद महाराज अकेलापन महसूस करने लगे। बेटी कुहू से इस गम को उन्होंने साझा किया। पुणे में रहकर पढ़ाई करने के कारण बेटी अपने
पिता के मन को भांप नहीं सकी। शिष्या और कुहू की केयर टेकर पलक ने महाराज के खालीपन को भांप लिया और महाराज के जीवन में पलक की एंट्री हुई। शिष्या पलक के प्रति महाराज का झुकाव बढ़ गया था। दूसरे भक्तों की तुलना में वे पलक को ज्यादा तवज्जो देने लगे। पलक और महाराज के बीच सोशल मीडिया पर चैटिंग भी शुरू हो गई थी। साल 2016 के आते आते पलक महाराज के बेडरूम में शिफ्ट हो गई। तभी पलक ने महाराज के साथ अपने संबंधों के कुछ अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसी बीच भयू महाराज की ग्वालियर की एक दूसरी शिष्या डॉक्टर आयुषी से नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। भयू महाराज और डॉक्टर आयुषी के बीच बढ़ रही दोस्ती और नए रिश्ते की चर्चा आश्रम में फैलने लगी। दूसरी शिष्या डॉक्टर आयुषी से प्रेम संबंध बढ़े तो महाराज ने पलक से दूरी बनाना शुरू कर दिया। पलक ने रिकॉर्ड किए वीडियो के सहारे महाराज से अपनी बहन की शादी के लिए 25 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। डॉक्टर आयुषी से बढ़ रहे प्रेम संबंध और दूसरी शिष्या पलक के साथ सोशल मीडिया पर हुई चैट और वीडियो होने के डर से भयू महाराज तनाव में रहने लगे। आरोप है कि डॉक्टर आयुषी शर्मा की ओर से महाराज के बढ़ते झुकाव से नाराज पलक ने महाराज पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उधर डॉक्टर आयुषी से संबंध को लेकर पलक का भयू महाराज से विवाद भी होने लगा। इधर बेटी कुहू को महाराज के पलक और डॉक्टर आयुषी के साथ संबंध का पता चल गया। अचानक 30 अप्रैल 2017 को महाराज ने डॉक्टर आयुषी से शादी कर ली। मां माधवी की मौत के 3 साल बाद ही अपनी शिष्या डॉक्टर आयुषी से शादी करने के कारण बेटी कुहू महाराज से खफा हो गई और उसने दूरी बना ली। वहीं पलक ने इंदौर आकर भयूजी महाराज के घर पर हंगामा किया। विवाद बढ़ा तो पलक ने महाराज को 1 साल के भीतर शादी करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये सब सेवादार विनायक दुधाले और ड्राइवर शरद की मौजूदगी में होता रहा। शादी के बाद महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के ट्रस्ट के कामकाज में दखल देने के आरोप लगे। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को भी डॉक्टर आयुषी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। डॉक्टर आयुषी कुहू के दिल में जगह नहीं बना पाई। इतना ही नहीं, ट्रस्ट में संपत्ति विवाद भी शुरू हो गया। महाराज भी परेशान रहने लगे। कुहू की पढ़ाई और करियर पर ट्रस्ट विवाद का कोई असर न हो, इसके लिए महाराज ने उसे लंदन भेजने का प्लान तैयार कर लिया। 11 जून की रात 1 से 2 बजे के बीच महाराज की अपनी बेटी कुहू से फोन पर चर्चा होती है। पढ़ाई और फ्यूचर प्लान पर चर्चा के लिए महाराज कुहू को इंदौर बुला लेते हैं। इस बीच इंदौर के सिल्वर स्प्रिंग स्थित घर में भयू महाराज खुद को गोली मार लेते हैं। हादसे के वक्त कुहू पुणे से इंदौर के रास्ते में थी। महाराज के सुसाइड की जानकारी आश्रम ट्रस्टियों के द्वारा उसे दी जाती है। घटना की सूचना पर पुलिस इस घर में पहुंचती है जहां भयू महाराज के कमरे की तलाशी पर एक सुसाइड नोट मिलता है। अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट में भयू जी महाराज ने अपनी सारी संपत्ति अपने सबसे करीबी रहे सेवादार विनायक के नाम पर कर दी थी। आयुषी ने घटना के बाद मिले सुसाइड नोट पर सवाल खड़े किए। तर्क दिया कि महाराज हिंदी में लिखते थे और सुसाइड नोट अंग्रेजी में लिखा गया है। इस मामले में पुलिस ने पलक, सेवादार विनायक दुधाले और ड्राइवर शरद सेवालकर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज सजा सुनाई गई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।